लगता है बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के करियर को अब वेब सीरीज के जरिए स्पीड मिलेगी। हुमा कुरैशी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लीला से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। इसे इंडो कैनेडियन दीपा मेहता, रमन शंकर और पवन कुमार ने डायरेक्ट किया है। दीपा मेहता को वाटर अर्थ जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। वेब सीरीज के 6 एपिसोड हैं। इसमें हुमा शालिनी का किरदार निभा रही हैं। शालिनी की बेटी लीला खो जाती है। वेब सीरीज में शालिनी अपनी बेटी लीला को ढूंढती हैं। अपनी बेटी को ढूंढते हुए शालिनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहानी में इसी दौरान कई उतार चढ़ाव आते हैं। पोस्टर की अगर बात करें तो हुमा कुरैशी मैरून कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। साथ ही हुमा ने गले में माला भी पहनी हुई है। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वेब सीरीज की कहानी प्रयाग अकबर की बुक लीला पर बेस्ड है। बुक में ऐसी सिटी को दिखाया गया है जहां लोगों को धर्म और समुदाय के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। कहानी की मुख्य किरदार शालिनी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है जिसे वहाँ क्राइम माना जाता है और शालिनी को इसे भुगतना पड़ता है पति और बेटी को खोकर। शालिनी के पति को मार दिया जाता है और उसकी बेटी लीला को पालने में से ही उठा लिया जाता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शालिनी की इस कांटों भरी जर्नी को ही दिखाती है। हुमा कुरैशी के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी जॉली एलएलबी 2 और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हुमा कुरैशी को इन फिल्मों से काफी सफलता हासिल हुई थी।